सो है गाइस, दिस इज कमिल एंड यू आर वाचिंग के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज किस वीडियो पर मैं आपको दिखाए बीएन वीडियो एडिटर एप्लीकेशन में फुल स्क्रीन वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हो। यूट्यूब पर आपने ऐसा बहुत सारा ट्यूटोरियल देखे होंगे जिन पर बताया गया है कि बीएन ऐप के अंदर फुल स्क्रीन या ट्रेंडिंग वीडियो कैसे एडिट करते हैं, लेकिन इस वीडियो पर मैं आपको बिल्कुल यूनिक तरीके दिखाए जिन सब स्टेप को फॉलो करके आप फुल स्क्रीन वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखना, ये ट्यूटोरियल बिल्कुल न्यू ट्यूटोरियल है और स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ बीएन वीडियो एडिटर एप्लीकेशन में। तो बीएन ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पर मैंने एक वीडियो को एडिट किया था। सबसे पहले आपको वीडियो दिखाया था, तो मैं इस प्रोजेक्ट को सिंपली ओपन करता हूँ एंड ओपन करने के बाद अगर मैं इसको प्ले करके आपको दिखाऊँ, सो इसके ऊपर क्लिक करके आपको इसे प्ले करना है एंड ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आप फुल स्क्रीन वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। यहाँ पर आपको ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप इसे किसी भी सोशल मीडिया पर अपलोड करोगे लाइक इंस्टाग्राम रील्स, इसके अलावा टिकटॉक, यूट्यूब शॉर्ट्स, तो इस तरीके जितने भी प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अगर आप वहाँ पर इसको अपलोड करते हो तो वहाँ पर ये फुल स्क्रीन मोड में आपको दिखाई देगा। और साइड में मैंने यहाँ पर जो है नियॉन बॉर्डर भी ऐड किया, तो कैसे आप भी ऐड कर सकते हो अभी मैं आपको इस वीडियो पर दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। अभी यहाँ से आ जाते हुए बैक आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है एंड देन आप यहाँ से फ़ोटो के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना पिक्चर ऐड कर लेंगे। तो मैं यहाँ से अपना पिक्चर ऐड कर लेता हूँ। सो आप चाहो तो एक पिक्चर ऐड कर सकते हो, दो ऐड कर सकते हो, जितना चाहे आप उतना पिक्चर ऐड कर सकते हो। और अगर आप एक पिक्चर ऐड करना चाहते हो, जैसे कि मैं जिस तरीके से वीडियो बनाई हूँ, तो आप एक पिक्चर ही सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे ऐड का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है तो आपका पिक्चर आ जाएगा बीएन वीडियो एडिटर एप्लीकेशन में। सबसे पहले आपको किसी भी चीज़ एडिट करने से पहले ये जो आपको ब्लैंक पार्ट दिखाई दे रहा है, सो ये जो आपको ब्लैंक पार्ट दिख रहा है टाइमलाइन पर और यहाँ पर वाटरमार्क शो होता है, सबसे पहले आपको इसको डिलीट कर लेना है डिलीट के ऊपर क्लिक करके। एंड देन आपको क्या करना है, अपना पिक्चर का जो टाइम ड्यूरेशन उसको बड़ा कर लेना है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो मैं इसका ड्यूरेशन अराउंड इतना रखूँगा। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे फुल स्क्रीन करना है। तो इसे फुल स्क्रीन करने के लिए आपको सिंपली ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करना है, ऊपर में ओरिजिनल का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और राइट पे आपको स्क्रॉल करना है एंड यहाँ से आपको 9:16 को चूज़ कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका पिक्चर इस तरीके से छुटा हो जाएगा, लेकिन अभी ये फुल स्क्रीन बन चुका है, ये आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको इसे फुल स्क्रीन कर लेना है। फुल स्क्रीन करने के बाद अभी आपको क्या करना है, राइट पे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा जिसका नाम होगा जूम। तो सिंपली आपको जूम के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको जूम लेफ्ट या जूम राइट, इन दोनों में से किसी एक को चूज़ कर लेना है। तो मैं इसको चूज़ करता हूँ। सो इसे चूज़ करने के बाद आपका जो पिक्चर है कुछ इस तरीके से लेफ्ट साइड की तरफ स्लाइड होगा, ये आप देख सकते हो, लेकिन ये धीरे धीरे स्लाइड होगा। तो ये आप यहाँ से मूव राइट को सिलेक्ट कर सकते हो, आपका पिक्चर धीरे धीरे राइट साइड की तरफ स्लाइड होगा। तो इन दोनों में से आप किसी एक को चूज़ कर सकते हो, मैं इसको चूज़ करता हूँ मूव लेफ्ट, उसके बाद कर देना है डन। सो इतना करने के बाद अगर मैं अभी आपको इसे प्ले करके दिखाऊँ तो आपका पिक्चर कुछ इस तरीके से लेफ्ट साइड की तरफ, जैसे कि आप देख सकते हो, धीरे धीरे जा रहा है। सो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक लिरिक्स ऐड करना है। तो मैं लिरिक्स का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, मैं जो लिरिक्स यूज़ करूँगा तो उसको आपको लेके आ जाना है। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है इसके ऊपर। सो ये जो आपको मिलता है टैप टू ऐड स्टिकर स्लैश PIP, उसके बाद आप यहाँ से वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे, वीडियो स्लैश फोटो एंड देन यहाँ से हमें अपना लिरिक्स ऐड कर लेना है। तो मैं लिरिक्स को ऐड कर लेता हूँ और मैं देख लेता हूँ कि मैं कौन सा लिरिक्स ऐड करूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा लिरिक्स है। तो मैं जो है इस लिरिक्स को ऐड करता हूँ, ये आप देख सकते हो। इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। सबसे पहले इसे प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस टाइप का ब्लैक स्क्रीन का होगा। सो अभी क्या करना है, इसको आपको बड़ा कर लेना है इस तरीके से। सो बड़ा करने के बाद आपको राइट साइड की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होगा ब्लेंडिंग, ये आप देख सकते हो। सिंपली ब्लेंडिंग के ऊपर क्लिक करना है और इसको सिंपली कर देना है स्क्रीन, ये मिलता है स्क्रीन, इसके ऊपर क्लिक करना है। सो इसका जो ब्लैक स्क्रीन था वो गायब हो चुका है, अभी इसको कर देना है डन एंड इसे हमें थोड़ा और बड़ा कर लेना है, ठीक है। सो बड़ा करके अभी आप इसे कहाँ सेट करना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर सेट करना चाहता हूँ। उसके बाद आप यहाँ से अगर प्ले करेंगे तो कुछ इस तरीके के लिरिक्स आपको देखने के लिए मिलेगा, ये आप देख सकते हो। अभी हमें क्या करना है, इसमें नियॉन RGB बॉर्डर ऐड करना है। सो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है, इसके ऊपर यहाँ से आपको स्टिकर को चूज़ करना है। सो स्टिकर चूज़ करने के बाद आप अपने फ़ोन का इंटरनेट कनेक्शन ऑन कर लीजिएगा। तो मैं ऑन कर लेता हूँ, ये ऑन कर लिया। अभी आपको सिंपली सर्च बार में क्लिक करना है, यहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना है नियॉन। सो जस्ट नियॉन लिख के सर्च करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। तो मेरा जो इंटरनेट कनेक्शन है थोड़ा सा स्लो है,
तो आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अब नियॉन चार्ज करने के बाद आपको यहाँ पर ये मिलता है, ये आप देख सकते हो नियॉन बॉर्डर, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, ये आप नियॉन आउटलाइन कह सकते हो। सो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपकी पिक्चर के हिसाब से सेट हो जाएगा, या आपको सेट कर लेना है कुछ इस तरीके से। सो कुछ इस तरीके से हमें इसे सेट कर लेना है एंड उसके बाद सिंपली कर देना है डन। सो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से आपको अपनी पूरी वीडियो पर अप्लाई कर लेना है, अपनी फोटो के साथ एडजस्ट कर लेना है। सो अभी आप देख सकते हो हमारी पिक्चर की चारों तरफ एक बॉर्डर आ चुका है। अभी अगर मैं इसे प्ले करके दिखाऊँ, सो आप देख सकते हो हमारा वीडियो फुल स्क्रीन बन चुका है, हमारे वीडियो पर मूविंग इफेक्ट भी अप्लाई हो चुका है और साइड में इस तरीके के बॉर्डर भी ऐड हो चुका है। ठीक है, अभी बात करते हैं यहाँ पर अगर आप म्यूज़िक ऐड करना चाहते हो, सो अगर आपकी जो लिरिक्स उसका म्यूज़िक म्यूट हो जाता है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, कहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, म्यूज़िक की लेयर के ऊपर क्लिक करना है, लिरिक्स वाला लेयर के ऊपर। उसके बाद आपको सिंपली क्लिक करना है वॉल्यूम के ऊपर एंड इसका वॉल्यूम आपको पूरा फुल कर लेना है। फुल करने के बाद अगर आपकी लिरिक्स से म्यूज़िक चला जाता है तो वापस आ जाएगा, देन सिंपली कर देना है डन। सो हमारा म्यूज़िक पर सॉरी हमारे लिरिक्स पर म्यूज़िक आ चुका है। अभी क्या करना है, इसको हमें सेव करना है, तो इसके लिए एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप रेजोल्यूशन चूज़ करेंगे 4K, FPS आप चूज़ करेंगे 60 और बिटरेट आप यहाँ से हाई को चूज़ करेंगे। नीचे आप टिक मार्क के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा वीडियो डायरेक्टली हमारे गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरीके से आप BN ऐप के अंदर फुल स्क्रीन वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। और भी फुल स्क्रीन वीडियो एडिटिंग का बहुत सारा तरीका है, आप जिनको फॉलो करके फुल स्क्रीन वीडियो क्रिएट कर सकते हो BN ऐप के अंदर। तो मैंने आपको बिल्कुल यूनिक तरीका दिखाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।